हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम सेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सेमी सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे मार्कर यूज कर रहा हूँ। ओके, बहुत ही इजी शेप है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सो मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लेता हूँ नॉर्मल फ्री हैंड। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और सर्कल का हाफ जो होता है वो होता है सेमी सर्कल। ओके, सो अगर हम इसे हाफ कर देते हैं तो देखते हैं ये कैसा दिखता है। सो यहाँ पे मैंने इसे अगर हाफ कर दिया सो ऐसा दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा, है ना। सो इसी शेप को बोला जाता है सेमी सर्कल। ओके, यानी कि हाफ सर्कल। सो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं क्या है। SEMI, ओके, सेमी, फिर यहाँ पे एक डैश CIRCLE, ओके, सेमी सर्कल। बहुत इजी था। अगर आपको सर्कल नहीं बनाना आता, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत सारे शेप बनाना सिखाया है। सो चलिए हम सेमी सर्कल को कलर करके भी देख लेते हैं। सो कलर करने के लिए यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो इसी दो को कर लेते हैं क्योंकि ये तो सेमी सर्कल नहीं है ना। सो मैं यहाँ पे फास्ट कलर कर रहा हूँ, बट आप आराम से ही कलर करिएगा और ध्यान दीजिएगा ये ब्लैक बॉर्डर के बाहर नहीं जानी चाहिए कलर। ओके, सो एकदम धीरे धीरे आराम से आप कलर कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो भी मेरी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने प्लेलिस्ट एक बना रखा है पूरा शेप्स का, सीरीज का। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको उसी टाइप का कंटेंट मिलेगा जहाँ पे आप बिगिनर लेवल पे सीखते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे फटाफट कलर कर देता हूँ। सो ये ऑलमोस्ट कलर हो चुका है और यहाँ पे जो वाइट वाइट स्पॉट्स होता है ना वो भी नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो थोड़ा डार्क करके कलर करिएगा। सो ये कलर हो चुका है। ये हमारा आखिरी वीडियो था शेप्स के सीरीज के ऊपर। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।